Hello students, this is Dr. Kinnari Dhruv. In this today's audio video lecture, we are going to calculate some of the practical sums of salary chapter. The subject is taxation, semester 3, SYBCOM. आज हम इस audio video lecture में जो practical questions पूछते हैं salary chapter में, taxation subject में, वो हम करने जा रहे हैं. मैंने पहला question लिया है, question number 13. The book I am going to refer is new edition, 29th edition of Sudhir Prakashan, Taxation 1, BCom Semester 3. The page number is given 211. The sum number is 13. So I am just going to, the sum has been asked in Gujarat University. The year is not mentioned. I am just going to read the sum, then we are going to calculate the sum. Shri X, a specified employee, is the general manager of ABC Company Limited from the following details. Compare the taxable income from salaries for assessment year 2020 and 21. आपको total 9 salary की information दी है. कौन सी detail taxable है, नहीं है, वो हम calculate करेंगे और gross total salary निकालेंगे. उसमें से अगर उसने कुछ professional tax pay किया होगा, तो वो deduct करके जो net taxable salary होगी, वो काउंट की जाएगी. ठीक है, तो बेसिक सैलरी दी है 20,000 पर मंथ. तो यहाँ पे एक टेबल बनाना है आपको, फोर कॉलम, सीरियल नंबर पर्टिकुलर, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम. द हेडिंग इज दैट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर श्री एक्स असेसमेंट ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20. ठीक है, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा बेसिक सैलरी. बेसिक पे उन लोगों ने दिया है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12. ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो आपका पूरे साल का सैलरी बेसिक पे आ जाएगा 2,40,000. सेकंड, डीए 2,000 पर मंथ, हाफ ऑफ विच पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये HRA में काम आएगा. अगर हाउस रेंट अकोमोडेशन दिया है परक्विजिट, तो उसमें भी काम आएगा. तो अगर DA रिटायरमेंट बेनिफिट में है और वो भी कितना है, हाफ, तो पहले तो DA पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है. तो DA टोटल टैक्सेबल है उनका 2000 पर मंथ है. 12 मंथ से करोगे तो कितना आ जाएगा, 24,000. लेकिन हाफ डीए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, तो यहां पे लिख लो रिटायरमेंट बेनिफिट. जब भी रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ भी काउंट करे या एचआरए काउंट करे, हाउस रेंट अलाउंस, तब आपको 24,000 का हाफ 12,000 कंसीडर करना है. ठीक है, नंबर 3, हाउस रेंट अलाउंस दिया है 6,000 पर मंथ और एक्चुअल हाउस रेंट पेड एट अहमदाबाद 6,000 पर मंथ. यानी मिश्री एक्स को कंपनी की ओर से पर मंथ 6,000 हाउस रेंट अलाउंस मिलता है. हाउस रेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल नहीं है, वो पार्टली टैक्सेबल है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है वो पहले हम जानेंगे. लेकिन यहां पे लिखेंगे HRA. पहले जो दिया है वो इनर कॉलम में लिखेंगे received, जो भी मिला है, तो उनको 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ. ठीक है, एक महीने का 6,000, तो 12 मंथ का हो गया 72,000. अब ये 72,000 टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन तीन अमाउंट कंसीडर करेंगे और उसमें से जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्पशन होगा, यानी कि वो टैक्स में नहीं जाएगा. तो पहले तो एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल कितना मिला है, तो भाई 72,000. अभी ये 72,000 पूरा लेस होके यहाँ पे नहीं आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएंगे. दूसरा इसका लिमिट है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. ठीक है, 10% ऑफ सैलरी.
अब यहाँ पे सैलरी 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट तो पहले उसने पे कितना किया है तो वो भी सब में दिया है। एक्चुअल हाउस रेंट पेड एट अहमदाबाद, अहमदाबाद में उसने 6000 पर मंथ पे किया है, तो टोटल 72000 उसने पे किया होगा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी यानी क्या, तो सैलरी यानी सिर्फ बेसिक पे प्लस डीए प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन। बेसिक सैलरी या बेसिक पे जिसको बोलते हैं ये, प्लस डीए। अभी डीए भी कौन सा लेंगे, जो रिटायरमेंट बेनिफिट में है वो 12000। पूरा का पूरा डीए आएगा नहीं, पूरा का पूरा डीएनएस अलाउंस आएगा नहीं, तो बेसिक पे प्लस डीए प्लस फिक्स्ड परसेंटेज से अगर कोई कमीशन हुआ तो अगर फिक्स्ड परसेंट से कमीशन सब में कहीं पे भी नहीं है, दो ही चीज आएगी, बेसिक सैलरी प्लस हाफ ऑफ द डीए, क्योंकि यहाँ पे बोला है हाफ ऑफ विच इज पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट पर्पस। जहां पे भी रिटायरमेंट पर्पस या कुछ भी आप सैलरी की डेफिनेशन लो, वहां पे हाफ डीए लेना चाहिए। सैलरी यहाँ पे आ जाएगी 2,40,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 2,52,000। अभी इसका 2,52,000 का 10% जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो, ठीक है, तो 2,52,000 का 10% उसमें से 72,000 गए, तो दूसरी अमाउंट आपको मिली 46,800, ठीक है, 46,800। एक ये हो गई 72,000, दूसरी मिली 46,800। दूसरी कंडीशन क्या थी, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी कम ही नहीं, बेसिक पे प्लस डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में हुआ तो, और फिक्स रेट से कमीशन, कमीशन नहीं दिया है। बेसिक पे आपका टोटल 2,40,000 है, हाफ डीए लेना है, पूरा नहीं लेना है, तो 2,52,000, 2,52,000 का 10% 72,000 में से निकाला तो 46,800। और तीसरी कंडीशन आ गई 40% ऑफ सैलरी, कहीं पे 50% लेना है, कहीं पे 40%, और कहां पे 50% लेना है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। अगर आपका एम्प्लॉई मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली, ये चार मेट्रो सिटी में वर्क कर रहा हो तो वहां पे 40% आएगा, अदरवाइज अहमदाबाद हुआ और कोई सिटी हुआ तो 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी तो आपने कैलकुलेट कर ही ली है, किसके लिए, एचआरए के लिए, ठीक है, ये तो सिर्फ बेसिक पे है। हर एक अलाउंस के लिए, हर एक परक्विजिट्स के लिए सैलरी की डेफिनेशन अलग हो जाती है। तो 40% ऑफ सैलरी यानी कि 2,52,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, वन लैख 800। तो तीन में से विच एवर इज लीस्ट, जो कम है वो डिडक्ट होगा। तो कम कौन सा है, सबसे कम 46,800, तो उसको 72,000 मिला, लेकिन रूल के हिसाब से 46,800 पे टैक्स लगेगा नहीं, तो 72,000 माइनस 46,800 टैक्सेबल ओनली एचआर इज 25,200। ये बहुत ही आईएमपी है, हर एक सम में होगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है। एचआरए जो मिला है वो पहले लिखो, फिर तीन कंडीशन है, एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% और 50% ऑफ सैलरी। कहां पे 40% लेना है, कहां पे 50% लेना है, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये तीनों में से जो कम है वो जो एक्चुअल रिसीव्ड है उसमें से डिडक्ट करो, और जो बचे वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ये जो अमाउंट है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी की है और ये इनर कैलकुलेशन की है। नंबर 4, एजुकेशन अलाउंस दिया है फॉर टू चिल्ड्रन 600 रुपीज, तो ये भी पार्टली टैक्सेबल है, पूरा टैक्सेबल नहीं है। तो यहां पे लिखो एजुकेशन अलाउंस, पहले जो मिला है वो लिखो, कितना मिला है, 600 पर मंथ फॉर टू चिल्ड्रन, ठीक है,
600, दोनों बच्चों के लिए 600 है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के लिए 600 और दूसरे बच्चे के बच्चों के लिए वापस से 600, दोनों बच्चों के लिए 600 रुपए। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स आपको मिला है आपका 7200। अभी इसका एग्जम्पशन लिमिट क्या है? लेस, यहां से जैसे हमने एग्जेम्प्टेड किया था वो एग्जेम्प्टेड यानी कि टैक्स फ्री। तो यहां पे 1, 2 और 3 लीस्ट था 46, तो यहां पे एग्जेम्प्टेड क्या होगा? तो इसकी लिमिट याद रखनी है आपको एग्जाम में, एक बच्चे के लिए 100 रुपीज पर मंथ, महीने कितने होते हैं 12, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, अगर एक चाइल्ड है तो एक ही लेना है, दो है तो दो लेना है, लेकिन 3 चिल्ड्रन दिए हैं तो सिर्फ 2 ही लेने हैं, ठीक है? तो एग्जेम्पशन आपका आ गया 2400। तो 7200 एजुकेशन अलाउंस था, उसमें से 2400 एग्जेम्प्टेड है, तो टैक्सेबल हो जाएगा 4800। वैसे नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2400, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें कुछ लिमिट आपको दी नहीं है। ठीक है। नंबर 6, हॉस्टल अलाउंस एक चिल्ड्रन के लिए है 500 पर मंथ, नंबर 6। तो यहां पे हॉस्टल अलाउंस जो दिया है वो पहले लिखो, 500 12 मंथ 1 चाइल्ड, ठीक है, तो टोटल आ गया 6000 माइनस एग्जेम्पशन यानी कि टैक्स फ्री, तो 300 रुपए मिलते हैं, 500 के बजाय पे कितने मिलते हैं, 300 टैक्स फ्री है, मैंने कितने 12, अगर एक चिल्ड्रन है तो एक, दो है तो दो, लेकिन दो तीन चिल्ड्रन है तो मैक्सिमम लिमिट आ गई 2 चिल्ड्रन की, यहाँ पे एक ही है तो हम एक ही लेंगे, ठीक है। 3600 आपका एग्जेम्पशन में जाएगा, एग्जेम्पशन यानी कि टैक्स फ्री, तो 6000 में से 3600 पे टैक्स नहीं लगेगा, 2400 पे टैक्स लग जाएगा। नंबर 7, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज 12.5%, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज 12.5%, सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा होता है, तो जो भी ज्यादा होता है, 12.5% है लेकिन 12% तक एग्जेम्प्टेड है, उससे ऊपर से कुछ भी होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो इसके लिए पहले सैलरी कितनी होगी, ये जो परसेंटेज आपको दिए है 12.5% वो सैलरी पे काउंट होता है, तो सैलरी यहाँ पे बेसिक प्लस DA इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला ही लेना है। तो बेसिक आपका 2,40,000 है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए DA आपका 12,000 लेना है, तो टोटल सैलरी आपकी हो गई 2,52,000। अभी 2,52,000 में आपका 12% तक सब माफ है, लेकिन 12.5% से ज्यादा करोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2,52,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5% में से 12% माफ, और नीचे आ जाएगा 12%,
ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, जितना परसेंटेज दिया है वो यहां पे लेना है। तो यहां पे आ जाएगा सॉरी 12.5 में से 12% मार्क, यानी कि 0.5%, 252,000 का 0.5% 1260 टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे ही नंबर 8, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द बैलेंस ऑफ आरपीएफ 10% दिया है 50,000। 10% नहीं होता है, एग्जेम्प्टेड कहां से होता है, 9.5% से, ठीक है। तो ये जो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑफ आरपीएफ जो दिया है 50,000 10% से, तो नीचे जाएगा 10%, और जो डिफरेंस है वो यहां पे लिखेंगे 10 माइनस 9.5, यानी कि 0.5% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो 2,500, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 200 इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एज अ प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करने को बोला है, तो ये तो इनकम नहीं है बट इट इज वन काइंड ऑफ अ टैक्स, तो वो तो डिडक्शन में जाएगा। तो टोटल आपका अब पूरा सम खत्म हो गया है, सारी देख लिए, अब जो भी है उसका सम टोटल निकालो। तो सम टोटल आपका आ रहा है 2,40,000 बेसिक प्लस 24,000 प्लस 25,200 प्लस 4,800 प्लस 28,800 प्लस 2,400 प्लस 1,260 प्लस 2,500, टोटल आपका आ रहा है 3,28,960। ये जो है ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, आपकी प्रोफेशनल टैक्स जो दिया है लेस प्रोफेशनल टैक्स पर मंथ 200 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो प्रोफेशनल टैक्स उन्होंने ग्रॉस सैलरी में से पे किए हैं 2,400। तो आपकी टैक्सेबल सैलरी जो है वो आ जाएगी 3,26,560, ठीक है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपकी आ गई यहां पे, ये आपकी है 3,28,960 आपकी टोटल सैलरी, ठीक है। माइनस आपका जो ग्रॉस सैलरी उन्होंने दिया है 2,400 लेस किया है, तो 3,26,560, ठीक है। 3,28,960 आंसर में 3,28,960। Now we are doing sum number 17, page number 214. The book is Sudhir Prakashan. The sum has been asked in Gujarat University. Year नहीं लिखा है, लेकिन ये modify करके दिया है, but more or less same है, ठीक है। Now Mr. Mayavanshi retired after serving up to 31st March 2020 from Shantu Limited, non-government company. He has served there for 40 years as a specified employee, computes taxable salary for accounting year 2019 and 20. जो शांत मिस्टर मायावंशी के लिए आपको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है, टोटल आपको 9 पर्टिकुलर्स दी है, ठीक है। यहां से उनका बेसिक सैलरी दिया है 1st of April 2019 से लेके 30th नवंबर, यानी कि पहले 6 महीने 14,000 और पिछले उसके बाद के 6 महीने 16,000। फिर आपको डीए दिया है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन यहाँ पे ये बोला नहीं है कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स में है या नहीं है, नहीं बोला है, तो आपको इसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स में नहीं लेना है। और कहीं पे भी आप सैलरी वापस से कैलकुलेट करें, जैसे कि एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, फ्री रेंट अकोमोडेशन, किसी की भी लिए आपको सैलरी वापस से कैलकुलेट करनी पड़े, तो उसमें आपको डीए लेना नहीं है,
फिर एचआरए दिया है 2000 पर 500 पर मंथ, ही हैज पेड रुपीज 3000 पर मंथ एज अ हाउस रेंट. नंबर फोर, कंपनीज कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 26600 दी है, ठीक है, 26600 दिया है. इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट अ रेट ऑफ 12.5%, 25000. बोनस दिया है 30000. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय 3000. फिर यहाँ पे आपको दिया है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 18000 एंड ग्रेजुएट रिसीव्ड इन अप्रैल 2020 3,95,000. पहले वापस से हम कैलकुलेट करते हैं. बेसिक सैलरी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी 14,000 पहले 6 महीने के लिए और 16,000 उसके बाद के 6 महीने के लिए. तो यहाँ पे बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे 1st ऑफ अप्रैल 19 टू 30th नवंबर 19 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 84,000 और 1st अक्टूबर 2019 टू 31st मार्च 2020 16,000 फॉर 6 मंथ 96,000. सो 84,000 प्लस 96,000 180,000 पूरे ईयर की सैलरी आ जाएगी, ठीक है. नंबर टू, नंबर टू उन्होंने डीए दिया है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, 50% ऑफ बेसिक सैलरी यानी कि 180,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो यहां पे आ जाएगा 90,000. नंबर थ्री, हाउस रेंट अलाउंस 2,500 पर मंथ. जब ये हाउस रेंट अलाउंस आप कैलकुलेट करते हो तब आपको एक नई सैलरी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है. वहां पे सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ इट इज रिटायरमेंट बेनिफिट. यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं है, अगर होता तो स्पेसिफिकली बोल देते. और फिक्स्ड परसेंट से कमीशन, तो यहाँ पे आपको कुछ भी कमीशन या दिया नहीं है, तो सिर्फ बेसिक सैलरी ही आप लोग कैलकुलेट कंसीडर करेंगे. जबकि पिछले सम में कैसा था, जब आपने एचआरए कैलकुलेट किया था यहाँ पे, तब सैलरी की डेफिनेशन क्या थी, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस डीए. डीए क्यों, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट में 12,000 था, टोटल डीए 24,000 था लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट में 12,000 था, प्लस फिक्स्ड परसेंट कमीशन. कमीशन नहीं दिया है तो बेसिक प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए तो 2,52,000. यहाँ पे एचआरए दिया है लेकिन सिर्फ बेसिक सैलरी ही लेनी है, डीए नहीं लेना है, क्योंकि डीए आपको रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं बोला है, अगर बोला है तो ही आपको लेना है. तो हाउस रेंट अलाउंस एचआरए इज इक्वल टू जो पहले दिया है वो लिखो, जितना मिला है उनको, तो 2,500 पर मंथ वो उसको मिला है, कौन किससे, मायावंशी को मिला, तो 2,500 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, ठीक है, तो टोटल आ जाएगा डीए, तो आपका टोटल डीआरए सॉरी एचआरए आ गया 30,000, ठीक है. अभी एग्जेम्प्टेड, तो एग्जेम्प्टेड में पहले जितना मिला है उतना रिसीव्ड, आपको कितना मिला है 30,000, यानी 30,000 और 30,000 कुछ टैक्सेबल नहीं होगा. एक ये लिमिट आ गई, दूसरी एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है. यहां पे सैलरी क्या होगी, सिर्फ बेसिक, डीए नहीं, ठीक है. फिक्स्ड परसेंट से कमीशन दिया होता तो कमीशन आता, लेकिन डीए यहां पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में नहीं बोला है तो नहीं आएगा. तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट उसने कितना पे किया है, किसने, मायावंशी ने, असेसी ने. तो मायावंशी ने पे किया है, ही हैड पेड 3,000 पर मंथ एज अ हाउस रेंट. तो यहाँ पे 3,000
मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है, 36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 1,80,000 का 10%, ठीक है. एक्चुअल रेंट पेड 3,000 एक महीने का, 12 महीने का 36,000 माइनस 18,000, 1,80,000 का 10%, तो 36,000 माइनस 18,000, तो 18,000 आंसर आएगा. तो सेकेंड लिमिट आ गई आपकी 18,000. और नंबर थ्री, ये मायावंशी कहाँ पे काम कर रहा है, कुछ बोला है मायावंशी? नहीं. अगर मेट्रो सिटी होता है जैसे मुंबई अहमदाबाद, मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई, तो 50% ऑफ सैलरी, और वैसे सिटी नहीं है, दूसरे सिटी है, तो 40% ऑफ सैलरी. 40% ऑफ सैलरी यानी कि 1,80,000 का 40%, तो ये तीन में से लिस्ट कौन सा है? लिस्ट है 18,000. तो 30,000 माइनस 18,000, 30,000 जो उसको मिला है, 18,000 एज पर प्रोविजन लिस्ट ये है सबसे कम, ठीक है, तीनों में से सबसे कम एग्जेम्पशन यानी कि टैक्स फ्री हो जाएगा, और जो बाकी का बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. नंबर फोर, कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 26,600. तो पहले जो दिया है वो लिखो, कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 26,600 लेस एग्जेम्पशन यानी कि टैक्स फ्री कहां तक है? 12% ऑफ सैलरी. सैलरी यहां पे क्या होता है? बेसिक प्लस डीए. डीए कब? जब रिटायरमेंट बेनिफिट में हो तब, लेकिन यहां पे रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, तो यहां सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे? 1,80,000. तो 1,80,000 का 12%, 21,600. सो 26,600 जो मिला है उसमें से 21,600 टैक्स फ्री, तो 5,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. नंबर फाइव, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 12.5% से 25,000. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ एट अ रेट ऑफ 12.5% से 25,000. तो यहां पे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट पहले कितना दिया है? 25,000. अब ये 25,000 किस रेट पे दिया है? एट अ रेट ऑफ 12.5, ठीक है. अभी एग्जेम्पशन यानी कि माफ यानी कि टैक्स फ्री कब तक है? 9.5%. तो 12.5 में से 9.5 गए परसेंटेज, तो 3% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. तो 25,000 टोटल है 12.5% के लिए, और 3% टैक्सेबल करना है, तो 25,000 डिवाइड बाय 12.5, तो 1% मिलेगा. परसेंटेज की साइन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है. तो 25,000 डिवाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 6,000 आपका टैक्सेबल आएगा. नंबर सिक्स, बोनस 30,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. नंबर सेवन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 18,000, उसको देखना नहीं है क्योंकि वो हमारे में आता ही नहीं है, वो एटीसी में डिडक्ट होगा, यहां पे कुछ डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. हमको सिर्फ एम्प्लॉयर्स का लेना है, एम्प्लॉई का कुछ देखना नहीं है, यहां पे सिर्फ उन्होंने एम्प्लॉयर्स का ही लिया है,
ठीक है. एम्प्लॉयर्स देखो, कंपनीज कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉई का यानी कि मायावंशी उसका लेना नहीं है. नंबर 9, ग्रेजुएटी रिसीव्ड इन अप्रैल 2020. अब ये ग्रेजुएटी है, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि टैक्सेबल होगा. लेकिन हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 2021 और प्रीवियस ईयर 2019-20 मार्च. ठीक है, तो ये जो अप्रैल में मिला है वो नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगा, इस ईयर में टैक्सेबल होगा नहीं. तो यहां पे नोट करके लिख देते हैं, ग्रेजुएटी टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर. ठीक है, इसका ग्रांट टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस सैलरी 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 3,23,000. 3,23,000 आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई. ठीक है, अब इसमें से दो चीजें डिडक्ट होगी, लेस प्रोफेशनल टैक्स. ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स यानी कि ये जो टैक्स उसने पे किया उसका टैक्स. तो प्रोफेशनल टैक्स आपका उन्होंने पे कितना किया है? 200 यहां पे लिखा है. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई 3,000. इट इज नॉट इनकम, इट इज अ टैक्स. 3,000 इसमें से लेस करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स 3,000, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी 3,23,000 माइनस 3,000 3,20,000. ठीक है, 3,20,000. अब ये 3,20,000 में से